हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्रांज मेथड के ऊपर, जिससे हम ये समझेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के जो हमारे इक्वेशंस होंगे हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्रांज मेथड के ऊपर और ये समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, और इसे समझने के बाद फिर ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लग्रांज मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्रांज मेथड वर्क कैसे करता है। तो आइए समझते हैं। जब भी हमें कोई इस तरह का इक्वेशंस दिया गया होगा, ठीक है ना, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लग्रांज इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो होता है वो हमारा एक्स वाई जेड का, यानी एक्स वाई जेड का फंक्शंस है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से, यानी कि जो हमारा गिवन इक्वेशन होता है इस फॉर्म में होता है, तो इस इक्वेशन से हमें एक ऑक्जिलियरी इक्वेशन फाइंड करना होता है, जिसको हम बोलते हैं लग्रांज ऑक्जिलियरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समझ लीजिए, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है और यहाँ पे dz है, इसके बीच में हम इक्वल का साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो x में यहाँ कैपिटल जो p होगा उसको डालते हैं, y में यहाँ कैपिटल जो Q होगा उसको डालते हैं, और Z में यहाँ जो हमारा कैपिटल R है इसको डालते हैं, और ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है ना, इसको कहते हैं लग्रांज ऑक्जिलियरी इक्वेशन, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि वो वन नंबर इक्वेशन है तो ये दो नंबर इक्वेशन हो जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन मिलेगा यू इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन, कोई कॉन्स्टेंट टर्म, और जो दूसरा हमें मिलेगा वो मिलेगा वी इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू, यानी कि ये जो हमारे पास पार्टिकुलर इक्वेशन है इसका दो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, एक इस फॉर्म में आएगा, दूसरा इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और दोनों ही इक्वेशंस को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, फाई और यहाँ पे यू वी इज इक्वल टू जीरो, और ये जो इक्वेशन होगा ना, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस पार्टिकुलर इक्वेशंस को। तो आपने मेथड समझा कि हमारे पास क्या होगा, कि एक लग्रांज इक्वेशन होगा, उससे हमें एक ऑक्जिलियरी इक्वेशन फाइंड करना है जो कि लग्रांज ऑक्जिलियरी इक्वेशंस कहलाएगा, और फिर इस इक्वेशंस को सॉल्व करके, यानी कि जो हमारा ऑक्जिलियरी इक्वेशन होगा इसको सॉल्व करके हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को हम इस फॉर्म में डाल देंगे तो यही फॉर्म जो होगा उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइए अब एक ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन होता है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप इसे फुल में भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में PDE लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा गिवन है वो है एम जेड माइनस एन वाई इंटू पी प्लस एन एक्स माइनस एल वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये है हमारा एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऑक्जिलियरी इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द लग्रांज ऑक्जिलियरी इक्वेशन इच। अब हमें कंबाइन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए dx, हमने dx लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा y, हमने dy लिख लिया, यहाँ पे मिलेगा dz, तो dz मिल गया। अब हमारा था कैपिटल P, तो कैपिटल P की जगह पर ये है, कैपिटल Q की जगह पर ये है और R की जगह पर ये है, तो हमें P, Q, R का वैल्यू डाल देना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना एम जेड माइनस एन वाई, यहाँ पर मिलेगा एन एक्स माइनस एल वाई, और यहाँ पर मिलेगा हमें एल वाई माइनस एम एक्स, और ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्जिलियरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम इसे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, Using x, y, z as multiplier, multiplier,
flares we have, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें x, y, z से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ईच फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तब x से ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो ऊपर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x डी एक्स प्लस y डी वाई और प्लस z डी जेड बाई। इसमें हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें y से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें z से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जब ऐड करेंगे ना तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जीरो ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है कि ये जीरो वास्तव में होगा या नहीं होगा, तो आप इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें y से, इसमें z से, और सभी को ऐड कीजिए, ये सारे टर्म कट जाएंगे, लास्ट में आपको आएगा जीरो। तो अब जीरो से फ्रैक्शन में हम ऐड गुना करेंगे तो वो मिल जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमारा बचेगा कितना, x dx प्लस y dy और प्लस z dz इज इक्वल टू जीरो। और में हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये पता चलेगा थोड़ी देर में। तो ये हो जाएगा 2 dx प्लस 2 y dy प्लस 2 z dz इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी वन। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाए, फ्रैक्शन में कुछ ना बचे, इसलिए मैंने 2 से इंटू किया था। तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कि एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो इक्वेशन मान सकते हैं, मान लेते हैं 3। अब क्या करना है, हमें फिर से मल्टीप्लायर्स यूज करना है कोई दूसरा और फिर से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा मल्टीप्लायर यूज कर लेते हैं, लाइक यूजिंग एल कोमा एम कोमा एन एज मल्टीप्लायर We have, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, each fraction is equal to, तो हो जाएगा l dx plus m dy plus n dz is equal to। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस वाले फ्रैक्शन में अब हमें x से नहीं, यहां पे l से और यहां पे m से और यहां पे इन से गुना कर देना है। गुना करने के बाद फिर आप ऐड कीजिएगा तो जो आपको नीचे में टर्म मिलेगा वो मिलेगा जीरो। तो जीरो से इसमें इंटू कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो और में हो जाएगा ये हमारा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग वी हैव, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा हमारा कितना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सी टू। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या करना था मेथड में, कि हमें एक फाई टर्म मिला था और यू इंटू वी, यानी कि ये जो हमारा तीसरा इक्वेशन है ये यू है और ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारा वी है। तो इसको कंबाइन कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा एक टर्म फाई, फाई इंटू यू। तो यू का वैल्यू कितना है, वो है हमारा ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा, उसके बाद है हमारा वी, तो वी हमारा ये है। तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो, और यही जो है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो ये मेथड है हमारा लग्रांज मेथड,
जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होता है उसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कोई भी इक्वेशंस आपको अगर इस फॉर्म में मिलता है जो कि इस फॉर्म के रूप में होगा तो उसे आप इस मेथड से इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बकायदे आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लायर्स है वो ढूंढने में थोड़ी सी सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लायर्स जो है वो इतना इजीली नहीं मिल जाता है। यहाँ हमें पता था इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया एक्स वाई जेड और एलएमएन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ तो आपको सोचना होगा कि मल्टीप्लायर्स ऐसे क्या लाएँ कि नीचे वाले टर्म जीरो आ जाएँ, ऊपर जो भी टर्म आए उसे आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करते हैं किसी दूसरे वीडियो के ऊपर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।